आज हम फिर से एक्सप्लोर करेंगे एक और इंटरनेशनल पैकेज जो कि आया है भाई मलेशिया से। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर है दो बहुत ही अनमोल बहुत ही खास वॉच घड़ी जो आपका वक्त सही नहीं बताएगी क्योंकि घड़ी रुका हुआ है उसको सेट करना पड़ता है। लेकिन एक वक्त हमेशा फिक्स रहता है वो है हमारी वीडियो का। सुबह 10 बजे वीडियो आती है और आप सब मिलकर देखो मजा लो। और फटाफट इस वीडियो को भी हम आगे बढ़ाते हैं और इस बॉक्स को निकालते हैं कि आखिर इस बॉक्स के अंदर क्या है। बेसिकली देखो एक कंपनी है मेगालिथ नाम की जिन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया मेल के थ्रू। उन्होंने बोला कि आपको हम देना चाहते हैं हमारे दो वॉचेस। आप देखिए एक्सपीरियंस शेयर करिए अपने ऑडियंस के साथ, वही हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके साथ बहुत सारा एकदम चादर कालीन पिकनिक के लिए भी दिया गया है बहुत सारे। 1, 2 ये वॉच है, 3, 4, 5 एंड 6। इतने सारे बबल रैप्स के साथ मैं एक पूरे खानदान को रैप करके ना ट्रिप पे भेज सकता हूँ, वो भी इंटरनेशनल। ये वॉच की कंपनी का नाम है मेगालिथ, जो कि इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और एक चीज बता दूं कि इसमें आपके पास क्रेडिट कार्ड एंड पेपल अकाउंट होना चाहिए पे करने के लिए। यहाँ पर आपको फ्रंट में मिल जाएगी मेगालिथ की ब्रांडिंग और साइड में यहाँ पर मेगालिथ का लोगो मिल जाएगा। एक फ्लैप टाइप का बनाया गया है, इसको खोलने पर आपको एक तो मैग्नेटिक वाला फ्लैप है, इसको खोलने पर आगे सामने आपको मेगालिथ की ब्रांडिंग मिल जाएगी गोल्डन कलर में। पैकेजिंग बहुत प्रीमियम है, कार्डबोर्ड का पूरा बॉक्स है। हमें एक बहुत प्रीमियम माइक्रो फाइबर क्लॉथ मिलता है जिसमें अगेन कोई ब्रांडिंग नहीं है। बहुत सारा ऐसा यूजर मैनुअल दिया गया है इसको कैसे यूज करना है क्या करना है। और साथ में एक और चीज है, बहुत स्ट्रेंज सा एक मैकेनिज्म दिया गया है। इसको पहले ऐसे करके खोल लो और इसके जो स्ट्रिप्स को अगर खोलने होते हैं ना, एक एक पीसेस को खोलना होता है ताकि वॉच हम अपना छोटा कर सके। मेरे पास देखो मंगाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन थे, मैंने ये पेप्सी वाला चूज किया क्रोनोग्राफ वॉच, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि इस वॉच का जो वेट है ना अच्छा खासा है, कितना है 164 ग्राम, तो भाई अच्छा हेवी माना जाता है। बहुत सारे आपको लेमिनेशन पेपर्स मिल जाएंगे। फटाफट खोलते हैं, 1 अंदर की तरफ से खुल जाता है। ऑलराइट, दोनों बाहर। यह भाई घड़ी बहुत ज्यादा शाइन कर रही है। इसके ऊपर भी है एक प्रोटेक्शन, इसके ऊपर भी एक फिल्म है आई थिंक, देखने से तो लग रहा है। देखते हैं भाई, हाँ निकाल के बहुत आराम से निकालना पड़ेगा ताकि इसमें नहीं आ जाए कोई स्क्रैच। यस, पेपर निकलिंग बाहर। इस पे आपको बेसिकली 2-3 कलर्स मिल जाएंगे। एक तो स्टेनलेस स्टील का पूरा वॉच है, तो ये स्टेनलेस स्टील वाली फिनिशिंग मिल जाएगी। बीच में आपको लाइट गोल्ड कलर मिल जाएगा। अंदर इसका जो डायल है जहां पर होते हैं नंबर्स, वो वाला आपको मिल जाएगा ब्लू कलर में। और उसपे भी ना शटर टाइप की डिजाइनिंग बनाई गई है, आई मीन हॉरिजॉन्टल इसमें स्ट्राइप्स है अंदर में। जैसा आप देख सकते हो ये है क्रोनोग्राफ वॉच। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे और फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे ये स्टॉप वॉच है और ये सारी चीजें जो डायल्स है ना छोटे छोटे, सारे चीजें वर्क करती है एक्यूरेटली। ऐसा नहीं कि बस वहां पर शोकेस करने के लिए चमकाने के लिए वहां पे लगा दिया गया है। अंदर में आपको मेगालिथ की ब्रांडिंग मिल जाएगी और भाई अंदर में आपको डेट भी दिखता है। पीछे अगर देखें तो वाटर रेजिस्टेंट लिखा गया है। इसके स्टेनलेस स्टील के स्ट्रैप में भी ना अंदर स्टेनलेस स्टील लिखा हुआ है। जैसा मैं अभी देखकर फील कर पा रहा हूं ना, इसकी स्ट्रैप की जो क्वालिटी है ना थोड़ी सी इंप्रूव की जा सकती थी कंपेयर टू उसका डायल। ये जो पूरा अपर डायल है ये वाला पूरा पार्ट, इसके मुकाबले ना ये थोड़ा मेरे को वीक लग रहा है। और साथ ही साथ ये जो ऊपर वाला जो रोटेटिंग बेजल है ना, जो मैं आपको बताना भूल गया कि ये ऊपर वाला जो डायल है रोटेट होता है, बहुत खूबसूरत लग रहा है और बहुत सेटिस्फाइड साउंड करता है ये देखो। ओवरऑल लेकिन बात करें ना, इस वॉच की क्वालिटी सच मानो बहुत अच्छी है। अब इसमें जितने भी सारे नंबर्स हैं और जो मिनट का कांटा, घंटे का कांटा और जो सेकंड वाला कांटा है ना, सब में आपको रेडियम का काम मिल जाएगा। यानी रात को ये आपको चमकेगा और एग्जैक्ट अंधेरे में भी आप टाइम बता सकते हो कि आपका वक्त कैसा चल रहा है। और साथ ही इसके सेकंड के कांटे में ना बहुत खूबसूरत डिजाइनिंग की गई है, जैसे एंड में आपको थोड़ा सा रेड टाइप का एरो जैसा डिजाइन बनाया गया है। और साथ ही साथ उसके पीछे वाला जो पार्ट है ना, उसमें मेगालिथ का एम बना हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसके जो रोटेटिंग बेजल है ना, उसके अपर साइड में भी ना एक छोटा सा व्हाइट पेंडेंट जैसा बनाया गया, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और एक चीज है कि इसका जो डायल का जो गोल्डन कलर है ना, इसका जो स्ट्रैप का जो गोल्डन कलर है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये बहुत ज्यादा साइन कर रहा है और ये थोड़ा सा मैट फिनिश टाइप में है। स्क्रू टाइप का मैकेनिज्म मिल जाता है। बेसिकली इसमें करना क्या होता है कि अगर आपका इसको टाइमिंग और इसका डेट वेट ठीक करना है, तो इसको पहले आपको नोब ऐसे करके खोलना पड़ेगा और उसके बाद ये ढक्कन जैसा ऐसे ओपन हो जाता है, बहुत कूल लगता है। साथ ही इसमें दो और आपको बटन मिल जाएंगे, एक करता है स्टॉप वॉच को चालू, यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर जो नीचे वाला है वो स्टॉप वॉच है वो शुरू हो जाएगा, जो कि मैं आपको बीरोल के थ्रू दिखा दूंगा। वापस से उसी को दबाना है तो वो रुक जाएगा, और रीसेट करना है तो नीचे वाले बटन को दबोगे तो वापस जाके घूम के रीसेट हो जाता है। वापस से आप इसे उठाकर ऐसे फ्लैप करके बंद कर सकते हो और इसे नट को बंद कर दोगे। लेकिन अब इसमें ये चीज ध्यान रखना, इसे ना सल्लू भाई जैसे एकदम ढीला ढीला ऐसे झूलते हुए मत पहनना। इसको जितना टाइट करके पहनोगे ना, एक लेदर वॉच की तरह, क्लासिक वॉच की तरह, तो ये ज्यादा खूबसूरत लगेगा आपके हाथों में। वैसे आप इसे रेगुलरली पहन नहीं सकते, अगर आप पार्टी वार्टी जा रहे हो या वेडिंग का सीजन
पहने हैं या फिर आप क्लब व्लब जा रहे हैं तो इसमें थोड़ा शो ऑफ करने के लिए पहन सकते हो। रेगुलर यूज के लिए हमारा नेक्स्ट वॉच और इस वॉच का जो लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अगर चाहिए तो आप वहां से जाकर ले सकते हो। ऑलराइट, सो अब हम आ गए अपने दूसरे अमेजिंग मेगालिथ के वॉच की तरफ। सेम आपको इसमें सेम पैकेजिंग मिल जाएगी, तो पैकेजिंग के बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फटाफट हम बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं हमारा वॉच। अंदर आपको मिलता है एक और माइक्रोफाइबर क्लोथ जो कि बहुत काम आता है वॉच को क्लीन करने में। अंदर में आपको और सारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाएंगे। फटाफट वॉच को देख लेते हैं। ये वॉच है ना एक्चुअली मेरा और मेरी पूरी टीम का ना बहुत फेवरेट वॉच है। यहाँ पर इसके स्ट्रैप के पीछे लिखा गया है जेन्युइन लेदर, और सच मानो अब लेदर है कि नहीं है लेकिन इसकी जो क्वालिटी है ना बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी है। ऐसा पतला टाइप का, चीप टाइप का बिल्कुल भी नहीं फील हो रहा है और लग रहा है कि हाथ में हाँ कुछ प्रीमियम लगेगा। सेम अगर इसका जो बकल वाला पार्ट भी है ना, ये भी अच्छा खासा मोटा है, ठीक है और प्रीमियम स्टेनलेस स्टील का लग रहा है। ये लो भाई, ये सेम इसके भी जो केसिंग की बिल्ड क्वालिटी है ना बहुत अच्छी, बहुत तगड़ी और बहुत हैवी लग रहा है। इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मेटल गन कलर जो होता है ना उस टाइप की इसकी पूरी केस की कलर की गई है, बहुत अमेजिंग लग रहा है। इसमें भी सेम आपको मिल जाएगा एक नट वाला मैकेनिज्म जिसको खोल कर आप अंदर सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि ये है एक डिजिटल प्लस एनालॉग वॉच, तो यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो, डेट देख सकते हो, डे देख सकते हो और सेकंड देख सकते हो। सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन जितना आपको एक वॉच में जरूरत होता है सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा। जैसा हर डिजिटल वॉच में होता है आपको इसमें एक लाइट वाला बटन मिल जाएगा। लाइट का जो पावर है ना उसको थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता था, थोड़ा सा डिम डिम लग रहा है। बाकी नीचे एक मोड बटन है जिसको दबाकर आप सारी फंक्शंस को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर स्टार्ट बटन है जिससे आप और भी ये सारे फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक रीसेट बटन। अंदर लिखा गया वाटर रेजिस्टेंट अप टू 30 meters, यानी फुल्ली आप हाथ वाथ धो, स्विमिंग पूल में कूद जाओ, कम गहरा वाला, ठीक है। ऊपर आपको मेगालिथ की ब्रांडिंग मिल जाएगी, मेगालिथ का एम मिल जाएगा लोगो। इसके भी नोब में वही फंक्शन है, हल्का सा खोलो उसके बाद आप इसका टाइम वन सेट कर सकते हो। क्योंकि इसमें डेट है डिजिटल, इसमें दो बार नहीं होता है, बस एक ही बार होता है। ये जो एक ऐसा वॉच है ना जिसको आप रेगुलरली पहन सकते हो। स्ट्रैप की क्वालिटी है, ब्राउन है, बहुत बेसिक कलर है वॉच के मामले में। और आप बताओ भाई इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। वैसे फटाफट एक बार इसका वेट चेक कर लेते हैं कि आखिर कितना वेट है इसका भी। 101 ग्राम इसका वेट है, दुगने से भी ज्यादा है। पूरा ब्लैक डायल है ना उसके बीच में एक व्हाइट कलर का सेक्शन ऐड किया गया है जिससे डायल की जो खूबसूरती है ना बहुत जबरदस्त निकल कर आती है और भाई वॉच को बहुत कूल बनाता है। वैसे आप बताइए इस वॉच के लिए आपकी क्या फीलिंग है और आपको कैसा लगा ये मेगालिथ का वॉच। यहां तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं कुछ और मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस।